दूसरा, अगर आप बिहार पांड्या को एक अच्छा खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत बनाम ऑस्ट्रेलिया का शुरू हो चुका है तीसरा और अंतिम ओडीआई मुकाबला। दोस्तों, स्टीवन स्मिथ और रोहित शर्मा टॉस के लिए आए। दोस्तों, इस बार स्टीवन स्मिथ ने टॉस जीता और टॉस जीतकर बल्लेबाजी को चुना, जिसके चलते पहले बल्लेबाजी करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत अच्छी रही। शुरुआती 10 ओवरों में मिचेल मार्च और ट्रेविस हेड साथ में मिलकर 60 से ज्यादा रन लगा दिए। दोस्तों, आप सभी को बता दें, लेकिन उसके बाद ट्रेविस हेड के सामने आए हार्दिक पांड्या। दोस्तों, आप सभी को बता दें, हार्दिक पांड्या के इस ओवर में ट्रेविस हेड अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। बाहर जाती हुई गेंद थी, ट्रेविस हेड अपने बल्ले का बड़ा हिस्से बैठे और बाउंड्री पर इस तरीके से कुलदीप यादव ने शानदार कैच को समाप्त किया, जिसके चलते 33 रन बनाकर ट्रेविस हेड आउट हुए। पहली विकेट मिली भारतीय टीम को 68 रन पर। दोस्तों, उसके बाद आए स्टीवन स्मिथ, अगला ओवर लेकर आए हार्दिक पांड्या के सामने। दोस्तों, वही गलती कर बैठे स्टीवन स्मिथ, बाहर जाती हुई गेंद पर अपने बल्ले का हिस्से बैठे हार्दिक पांड्या की गेंद पर इस तरीके से, और पीछे विकेटों के खड़े थे कमाल लाजवाब राहुल, जिन्होंने इस तरीके से शानदार कैच लपक ली, जिसके चलते स्टीवन स्मिथ कप्तान 0 रन बनाकर आउट हुए। ऑस्ट्रेलिया को बड़ा झटका लगा, दो ओवरों में दो बड़े विकेट निकाली वाइस कप्तान हार्दिक पांड्या। दोस्तों, लेकिन उसके बाद भी हार्दिक पांड्या का कहर बरसने लगा मिचेल मार्च के सामने। दोस्तों, मिचेल मार्च भी अंदर आती गेंद को पढ़ नहीं पाए हार्दिक पांड्या के तीसरे ओवर की इस गेंद को, और बोल्ड ओवर रह गए। मिचेल मार्च भी इस मुकाबले में 47 रन बनाकर हार्दिक पांड्या के तीसरे शिकार हुए। दोस्तों, उनके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए थे डेविड वार्नर और लांबूस चेंग, लेकिन सेट होकर डेविड वार्नर भी कुलदीप यादव की इस गेंद को हवा में खेल बैठे और पीछे हार्दिक पांड्या ने शानदार कैच लपक ली, जिसके चलते डेविड वार्नर भी 23 रन बनाकर 31 गेंदों का सामना करते हुए अपनी बड़ी विकेट गवा बैठे। दोस्तों, उनके बाद लांबूस चेंग आए, वो भी सेट होकर 28 रन बनाकर अच्छी पारी खेल ही रहे थे, तभी कुलदीप यादव के अगले ओवर में ये भी बड़ा शॉट खेल बैठे। बल्ले का एज लेकर गेंद सीधा शुभमन गिल के हाथों में जाकर गिरी, जिसके चलते लांबूस चेंग भी 28 रन बनाकर 45 गेंदों का सामना करते आउट हुए। दोस्तों, कोई बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल रहा है ऑस्ट्रेलिया का, जिसके चलते 150 रन पर 5 विकेट गिर चुके हैं ऑस्ट्रेलिया के। लेकिन उसके बाद भी मार्कस स्टोइनिस ने सेट होकर वही गलती कर दी। दोस्तों, अक्षर पटेल की इस गेंद पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में फील्डर के हाथों में मार बैठे इस गेंद को स्टोइनिस, जिसके चलते स्टोइनिस भी इस मुकाबले में 25 रन बनाकर 26 गेंदों का सामना करते आउट हुए। दोस्तों, के बाद एलेक्स कैरी आए कुलदीप यादव के सामने और आधे ये भी इस तरीके से बोल्ड होकर रह गए। एक अच्छी पारी खेलकर सेट होकर एलेक्स कैरी कुलदीप यादव के हाथों 38 रन बनाकर इस मुकाबले में आउट हुए, जिसके चलते कुलदीप ने भी 3 बड़े विकेट निकाल लिए हार्दिक पांड्या के साथ साथ। कुलदीप ने 3 और हार्दिक पांड्या ने 3 और अक्षर ने 1 विकेट निकाले। 230 रन तक पहुंच गए ऑस्ट्रेलिया की टीम 7 विकेट के नुकसान पर 43वें ओवर में। भारतीय टीम की गेंदबाजी काफी ज्यादा शानदार रही इस रनों की पिच पर। दोस्तों, आप भारतीय टीम की गेंदबाजी को 10 में से कितना नंबर देंगे हमें कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आए तो